हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर वीएम कुलकर्णी। कल हमने थ्योरी ऑफ मशीन का पहला वाला वीडियो देखा था। उस वीडियो में हमने देखे थे कुछ 4 क्वेश्चंस हमने कवर किए थे। तो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर अगला वाला क्वेश्चंस आपको दिख रहा है, मतलब ये अगला टॉपिक ही है थ्योरी ऑफ मशीन का। तो अगर हम पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में करेंगे तो वीडियोस काफी बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि वीडियोस के पार्ट्स पार्ट्स में ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो रहा है, जैसे कि आपको देखने भी काफी आसानी हो और पूरा लेंथी वीडियो ना इसका बने। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट स्टार्ट अवर वीडियो। एंड अगेन आई विल अपील टू ऑल ऑफ यू, मैं सबको अपील भी करता हूँ कि प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और सारे बच्चों तक ये वीडियोस पहुंचा दीजिए। देखो अभी आपको इसको मतलब देख रहे हैं आप, छोड़ रहे हैं, लेकिन जब आपका एग्जाम आएगा, आप स्टडी करने को बैठेंगे, तो जब आप ये वीडियो देखेंगे ना, तो आपका स्टडी काफी ईजी आपका हो जाएगा। मतलब आपको सामने स्क्रीन पे उसका डेफिनेशन भी दिखता है, मैं बोलता हूँ भी वो, आपको समझा भी देता हूँ, तो आपको इजीली वो बातें समझ में आ जाती है। ठीक है, इसीलिए वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लास्ट में मैं फिर से गेसिंग क्वेश्चन पेपर और आईएमपी क्वेश्चंस इसके देने वाला हूँ। सो लेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज अ क्लासिफाई काइनेमेटिक लिंक और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लिंक। तो टाइप्स ऑफ लिंक और क्लासिफिकेशन ऑफ द लिंक पूछा है। तो लिंक में क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है, देखो, रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक, फ्लूड लिंक। अभी रिजिड लिंक क्या हो सकता है कि जिसके अंदर मोशन ट्रांसमिट नहीं होगा, तो उसको हम रिजिड लिंक बोलेंगे। द लिंक विच डज नॉट अंडरगो एनी डिफॉर्मेशन व्हाइल ट्रांसमिटिंग द मोशन इज कॉल्ड एज द रिजिड लिंक। तो ऐसे रिजिड लिंक है जो मोशन ट्रांसफर करते वक्त उसमें मूवमेंट नहीं होगा, डिफॉर्मेशन नहीं होगा, तो हम उसको बोलेंगे रिजिड लिंक। फ्लेक्सिबल लिंक क्या है, फ्लेक्सिबल लिंक इज वन विच इज पार्टली डिफॉर्म्ड व्हाइल ट्रांसमिटिंग मोशन। मोशन ट्रांसमिट करते वक्त अगर उसका कोई पार्ट मूव हो रहा है और मोशन कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे फ्लेक्सिबल लिंक। अभी फ्लूड लिंक में क्या होगा, इट इज अ लिंक। अभी इसके एग्जाम्पल भी देखते जाएंगे हम। रिजिड लिंक का एग्जाम्पल देखो, कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड क्या होता है, कनेक्टिंग रॉड अकेला ही मोशन ट्रांसमिट करता है, लेकिन वो खुद मूव होता है क्या, मतलब उसमें कुछ मूवमेंट होता है क्या, डिफॉर्म होता है क्या, वो नहीं होता। ठीक है, लीवर। बाद में आता है फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल लिंक का एग्जाम्पल देखो, चेन, बेल्ट, रोप, ये सारे एग्जाम्पल है। फ्लूड लिंक, फ्लूड लिंक में क्या है, इट इज अ लिंक विच ट्रांसमिट अ मोशन थ्रू द फ्लूड बाय प्रेशर और कॉम्प्रेशन। अगर प्रेशर फ्लूड और प्रेशर और कॉम्प्रेशन से अगर मोशन ट्रांसमिट हो रहा है, तो उसको हम फ्लूड लिंक बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑयल इन हाइड्रोलिक सिस्टम, हाइड्रोलिक प्रेस मशीन, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, जहाँ से हाइड्रोलिक्स मतलब ऑयल से मोशन ट्रांसमिट होता है, वो सारी सिस्टम जो होते हैं उसको हम फ्लूड लिंक बोलेंगे। बाद में आता है 4 टाइप्स ऑफ ए लिंक बेस्ड ऑन अटैचमेंट। टाइप्स ऑफ लिंक बेस्ड ऑन अटैचमेंट, तो अटैचमेंट के बेस पे क्या है इसका, देखो क्लासिफिकेशन, बाइनरी लिंक हैविंग 2 कनेक्शन, टर्शरी लिंक हैविंग 3 कनेक्शन, क्वाटरनरी लिंक हैविंग 4 कनेक्शन। तो ये टाइप्स ऑफ अटैचमेंट के ऊपर था इसका क्लासिफिकेशन लिंक का। तो देखो यहाँ पे दिया है बाइनरी लिंक वन विथ टू नोड्स, टर्शरी लिंक वन विथ थ्री नोड्स, एंड क्वाटरनरी लिंक वन विथ 4 नोड्स। तो ये बाइनरी, टर्शरी और क्वाटरनरी लिंक है। तो ऐसे लिंक मतलब एक छोटा कंपोनेंट होता है, वो हम यूज करते हैं मोशन के लिए। अगला वाला क्वेश्चन है, डिफाइन मशीन एंड स्ट्रक्चर विथ एग्जाम्पल। मशीन क्या है, व्हेन अ मैकेनिज्म इज यूज्ड टू ट्रांसमिट अ रिक्वायर्ड मोशन एंड फोर्सेस टू डू सम पर्टिकुलर वर्क, देन इट इज कॉल्ड एज अ मशीन। ओके, मशीन किससे बनता है, मैकेनिज्म से बनता है। व्हेन अ मैकेनिज्म इज यूज्ड टू ट्रांसमिट रिक्वायर्ड मोशन, अगर हमने बहुत सारे मैकेनिज्म इकट्ठा किए टू ट्रांसमिट द मोशन, देन उसको कहेंगे हम मशीन। और वो क्यों ट्रांसमिट कर रहे हैं, टू डू सम यूजफुल वर्क। और स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर इट इज एन असेंबली ऑफ ए नंबर ऑफ ए रेजिस्टिंग बॉडी नोन एज ए मेंबर्स हैविंग नो रिलेटिव मोशन इन बिटवीन देम, इट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चर। जो मैकेनिज्म को सपोर्ट करेगा, मैकेनिज्म मतलब क्या है, मूवमेंट है, मोशन है, वो ट्रांसमिट होगा ही, मतलब उसके अंदर मोशन होगा ही, लेकिन वो मोशन होते वक्त उसको होल्ड करने वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो स्टेबल रहता है, उसमें मोशन नहीं होगा।
और ये मोशन को, जो मोशन कर रहे हैं उनको ये हेल्प करेगा स्टेबिलिटी के लिए, इसीलिए इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर। बिल्डिंग, ब्रिजेस, मशीन फ्रेम्स, रूफ स्ट्रसेस, डैम वॉल एक्सेट्रा, तो ये सारी चीजें हैं मशीन और स्ट्रक्चर में। बाद में आता है, बहुत बार एक क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड मशीन। तो स्ट्रक्चर और मशीन का डिफरेंस देखिए, स्ट्रक्चर इज अ स्केलेटन बिल्ट टू बेयर अ लोड, मेनली कॉम्प्रेसिव लोड। तो स्ट्रक्चर एक मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर मोशन नहीं होगा लेकिन वो सपोर्ट करेगा सिस्टम को। मशीन क्या है? अ मशीन कन्वर्ट द अवेलेबल एनर्जी इनटू सम यूजफुल वर्क। स्ट्रक्चर के अंदर नो रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट बिटवीन इट्स मेंबर, और इसके अंदर लिंक्स आर मीन टू ट्रांसमिट अ मोशन एंड फोर्सेस विच आर डायनेमिक। तीसरा वाला है स्ट्रक्चर सर्व्स टू मॉडिफाई एंड ट्रांसमिट अ फोर्सेस ओनली। नेक्स्ट इज मशीन सर्व्स टू मॉडिफाई एंड ट्रांसमिट अ मैकेनिकल वर्क। स्ट्रक्चर में अगला पॉइंट आएगा, इट इज अ स्टडीड अंडर द स्टैटिक, इट इज अ स्टडीड अंडर द स्टैटिक्स, दो बार हुआ ये, इट इज अ स्टडीड अंडर डायनेमिक्स। इसका फॉर एग्जाम्पल दिया है रूफ ट्रसेस, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, मशीन फ्रेम्स एक्सेट्रा, इसका भी एग्जाम्पल दिया है शेपिंग मशीन, लेथ मशीन, स्क्रू जैक एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, डिफरेंस बिटवीन मशीन एंड मैकेनिज्म। ओके, यहाँ पे था स्ट्रक्चर एंड मशीन, तो यहाँ पे मशीन एंड मैकेनिज्म। अभी मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म इज अ फॉर्म ऑफ व्हेन अ लिंक ऑफ काइनेमेटिक चेन इज अ फिक्स। लिंक ऑफ काइनेमेटिक चेन, चेन का एक लिंक अगर हम फिक्स करेंगे तो उसको मैकेनिज्म बोला जाएगा। फिर मशीन आएगा, मशीन कन्वर्ट द अवेलेबल एनर्जी इनटू यूजफुल सम यूजफुल वर्क। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैकेनिज्म सॉरी इज टू ट्रांसमिट और मॉडिफाई द मोशन। मैकेनिज्म का मेन प्राइमरी फंक्शन क्या है? ट्रांसमिट और मॉडिफाई मोशन, यही है। मशीन्स आर मीन फॉर डूइंग सम यूजफुल वर्क, ये सिर्फ मोशन को ट्रांसमिट करेगा। लेकिन मशीन क्या होता है कि नंबर ऑफ मैकेनिज्म से मशीन को तैयार किया जाता है, तो कुछ समथिंग यूजफुल वर्क के लिए इसको यूज करें। मैकेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सेवरल लिंक जॉइंट टुगेदर, अ मशीन मे कंटेन सेवरल मैकेनिज्म एंड अदर एलिमेंट्स। मैकेनिज्म जो होता है ना वो क्या होगा, बहुत सारे लिंक्स को ज्वाइन करके हम मैकेनिज्म तैयार करते हैं। लेकिन मशीन क्या होता है कि बहुत सारे मैकेनिज्म को इकट्ठा करके हम मशीन तैयार करें। ऑसिलेटिंग सिलेंडर मैकेनिज्म, स्कॉच योक मैकेनिज्म, शेपिंग मशीन, लेथ मशीन, स्क्रू जैक, ऑल दीज आर द मशीनरीज विद द नंबर ऑफ मैकेनिज्म। तो ये डिफरेंस हो गया। अभी आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ डिफाइन इन्वर्जन। अभी इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन मतलब फिक्सेशन, कोई तो भी लिंक फिक्स करना, इसको हम इन्वर्जन कहेंगे। इन अ मैकेनिज्म इफ वन बाय वन ईच लिंक इज अ केप्ट फिक्स्ड एंड अदर लिंक्स आर अलाउड टू ट्रांसमिट मोशन, देन फ्रॉम अ सिंगल मैकेनिज्म वी गेट अ नंबर ऑफ मैकेनिज्म्स। दिस फेनोमेनो इज कॉल्ड एज अ इन्वर्जन। मतलब एक लिंक फिक्स करना, उसको हम कहेंगे इन्वर्जन। तो कौन सी लिंक फिक्स करना है वो डिपेंड करता है मैकेनिज्म पे। इन्वर्जन इज अ डिफाइंड एज द मैकेनिज्म ऑफ मैकेनिज्म। और एक डेफिनेशन, वेन अ डिफरेंट लिंक्स ऑफ काइनेमेटिक चेन आर फिक्स वी गेट डिफरेंट मैकेनिज्म, दीज मैकेनिज्म्स आर कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ दैट काइनेमेटिक चेन। ठीक है, तो ये आप पहला वाला जो डेफिनेशन है वो काफी एक्सेप्टेबल डेफिनेशन है, तो वही आप लिखिए। द नंबर ऑफ इन्वर्जन काइनेमेटिक चेन्स आर इक्वल नंबर ऑफ ए लिंक्स इन दैट चेन। तो ये इन्वर्जन मतलब क्या है? फिक्सेशन ऑफ लिंक, बस आप इतना ही ध्यान में रखिए और इस हिसाब से आप वो लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, लिस्ट वेरियस इन्वर्जन्स ऑफ द थ्री टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक चेन। तो काइनेमेटिक चेन्स विद अ फोर लोअर पेयर, तो उसमें अंदर देखिए फोर बार चेन, स्लाइडर क्रैंक चेन एंड डबल स्लाइडर क्रैंक चेन। तो ये क्या है, टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक चेन्स है, काइनेमेटिक चेन के टाइप है। तो उसके भी सब टाइप है, क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म, बीम इंजिन, पेंटोग्राफ। स्लाइडर क्रैंक के है रोटरी इंजन मैकेनिज्म, ऑसिलेटिंग सिलेंडर मैकेनिज्म, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, पेंडुलम। तो क्विक रिटर्न के भी दो है, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म विथ वर्थ मैकेनिज्म।
बाद में इधर डबल स्लेटर क्रैंक चेन क्या था, इलिप्टिकल ट्रैवल्स, कॉचोक मैकेनिज्म, ओल्ड डैम कपलिंग्स। तो ये सारे चेन हैं, ये सारे मैकेनिज्म से हमको स्टडी करने हैं अभी। एक्सप्लेन द फोर बार चेन मैकेनिज्म। तो पहला वाला है फोर बार चेन मैकेनिज्म, तो चलो फोर बार चेन मैकेनिज्म पढ़ते हैं। तो देखो फोर बार चेन दिख रही है आपको, 1 2 3 4। तो ये फोर बार चेन एक मैकेनिज्म, एक मैकेनिज्म मतलब क्या, एक लिंक फिक्स होगा, अदर लिंक्स रोटेट होंगी, कोई लिंक ऑसिलेट होता है तो एक दूसरे से कनेक्ट होके वो मोशन ट्रांसमिट करता है। फोर बार चेन मैकेनिज्म कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ फोर लिंक्स, चार लिंक्स मैंने बताए, वन लिंक इज अ फिक्स्ड एंड अदर थ्री लिंक्स आर मूविंग। एक लिंक फिक्स है इसके अंदर और बाकी के जो थ्री है वो मूविंग है। इट कंसिस्ट ऑफ फोर लिंक्स आर अ फिक्स्ड फ्रेम, क्रैंक, कनेक्टिंग रॉड एंड रॉकर लीवर। शॉर्टेस्ट लिंक इन अ फोर बार मैकेनिज्म इज अ ड्राइवर लिंक कॉल्ड एज ए क्रैंक। तो ये जो है शॉर्टेस्ट लिंक, इसको हम कहेंगे क्रैंक, यहाँ पे लिखा है देखो क्रैंक। इन फोर बार चेन मैकेनिज्म हैज अ फोर टर्निंग पेयर एंड ऑल द पेयर्स आर अ लोअर पेयर्स। तो ये सारी लोअर पेयर्स है, लोअर पेयर्स यानी क्या है कि सरफेस कॉन्टेक्ट होता है। वर्किंग कैसे देखो, व्हेन द क्रैंक स्टार्ट्स रोटेटिंग, ये क्रैंक ने रोटेटिंग स्टार्ट किया, द कपलर लिंक टू ऑसिलेट, ड्यू टू दिस द मोशन इज अ ट्रांसमिटेड टू द रॉकर एंड द रॉकर इज ऑल्सो स्टार्ट रोटेटिंग। इन दिस वे मोशन इज अ ट्रांसमिटेड फ्रॉम क्रैंक टू रॉकर, यहां से तो यहां तक का मोशन हमने ट्रांसमिट किया। एप्लीकेशन, फोर बार चेयर मैकेनिज्म इज कॉमनली यूज्ड वेयर रोटरी मोशन ऑफ वन लिंक इज टू बी ट्रांसमिटेड टू द अनदर लिंक। एक जगह से दूसरे जगह पे मोशन ट्रांसमिट कर, रोटरी मोशन ट्रांसमिट करने के लिए हम फोर बार चेन मैकेनिज्म यूज करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल्स दे बाइसिकल्स, इंटरनल कंबशन इंजिन, कॉम्प्रेसर्स। अभी इन्वर्जन ऑफ फोर बार चेन, मैंने पहले ही कहा था इन्वर्जन क्या है कि हमको फिक्सेशन करना है, लोकोमोटिव कपलर, बीम इंजिन एंड पेंटोग्राफ। एक्सप्लेन द कपल्ड व्हील लोकोमोटिव मैकेनिज्म विद नेट स्केच। तो अभी इसके लोकोमोटिव कपलर का हमको स्केच निकालना है और उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो अभी ये देखो, दो व्हील्स है, दो व्हील्स हमने फ्रेम के जरिए एक दूसरे से ज्वाइन किए हैं। तो यहाँ पे दो छोटे इलेमेंट्स हैं हमारे पास, ए बी और सी डी, और दो बड़े इलेमेंट्स हैं सी बी और ए डी, और ये दोनों व्हील्स एक दूसरे से कनेक्ट किए। तो इसके अंदर फिक्स जो होगा, ये वाला फिक्स होगा, इसका मोशन नहीं होगा, लेकिन ये जो है ये तीनों लिंक मूव करेंगे। कंस्ट्रक्शन देखिए, दिस मैकेनिज्म इज एन इन्वर्जन ऑफ ए फोर बार चेन मैकेनिज्म। ये फोर बार चेन है, इन्वर्जन मतलब हमने इसको फिक्स किया है। इट कंसिस्ट ऑफ फ्रेम ए डी, दिस वन इज फिक्स ऑन विच टू क्रैंक्स ए बी एंड सी डी आर फिटेड ऑन इट। द क्रैंक आर फ्री टू रोटेट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट ए एंड डी, बोथ द क्रैंक हैव सेम लेंथ, टू लिंक्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय मीन्स ऑफ ए कपलिंग रॉड विच कनेक्ट एट अ पॉइंट बी एंड सी, बोथ द क्रैंक्स एट द कनेक्शन ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी हैज अ फोर टर्निंग पेयर्स, ऑल फोर पेयर्स आर लोअर पेयर्स, फेस कॉन्टेक्ट हो रहा है इसलिए लोअर पेयर बोला है। When the link AB start rotating about a fixed point A, it allows the coupling rod to oscillate. The rotary motion of a wheel is transmitted to next wheel by means of coupling rod BC. As a result, the other wheel also start rotating in the same direction and same speed. ये काफी इंपॉर्टेंट है, सेम डायरेक्शन एंड सेम स्पीड में ये दोनों व्हील्स रोटेट होंगे विद द हेल्प ऑफ दिस टू क्रैंक वन एंड टू। आखिरी वाला है, सॉरी नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन विद स्केच बीम इंजिन मैकेनिज्म। तो बीम इंजिन मैकेनिज्म भी अगला वाला एग्जांपल ही है उसका, बीम इंजिन। फोर बार चेन मैकेनिज्म का पहला वाला एग्जांपल लोकोमोटिव कपलर जो आपने देखा, अगला है बीम इंजिन। तो बीम इंजिन में भी फोर बार दिखेंगे हमको, इसमें भी फोर बार कौन से देख रहे हैं देखो, एक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, दिस फिक्सेशन लिंक इज द फोर्थ। इसमें भी मोशन ट्रांसमिट होता है, रोटरी मोशन ट्रांसमिट होगा टू रेसिप्रोकेटिंग वन। तो वहां पे क्या था, रोटरी मोशन ट्रांसमिट होता था रोटरी में, तो यहाँ पे क्या है कि रोटरी मोशन ट्रांसमिट होगा रोटेटिंग में, तो इसको बीम इंजिन कहेंगे हम, ठीक है, क्योंकि एक बीम के ऊपर इसको खड़ा किया है इस इंजिन को, और इंजिन की वजह से ही तो ये
सिलेंडर में ये जो पिस्टन है वो ऑसिलेट होता है, सॉरी रेसिप्रोकेट होता है, इसीलिए इसको बीम इंजन कहा है, बीम विथ इंजन। तो यहाँ पे देखो चार का आपको लिंक जो दिख रही है वो कौन कौन सी है। एक पहली वाली जो फिक्स लिंक है उसको चार नंबर दिया है, ये जो रोटेट कर रहा है क्रैंक, एक कनेक्टिंग रॉड, और ये तीसरा वाला एक्सटेंशन रॉड, कनेक्शन रॉड जो कुछ है। कंस्ट्रक्शन देखिए इसका, दिस मैकेनिज्म इज एन इन्वर्जन ऑफ फोर बार चेन मैकेनिज्म, इट कंसिस्ट ऑफ फ्रेम ओसी, ओ एंड सी, फ्रेम ओ एंड सी विच इज फिक्स्ड एंड ऑन विच ऑल अदर एलिमेंट्स आर फिटेड। द क्रैंक ओ ए इज रोटेट अबाउट द फिक्स पॉइंट ओ एंड क्रैंक ओ ए इज कनेक्टेड टू द कनेक्टिंग रॉड ए बी एट पॉइंट ए एंड अदर पॉइंट कनेक्टिंग रॉड ए बी इज कनेक्टेड टू पॉइंट बी ऑफ लीवर बी डी। पिस्टन रॉड डी पी इज कनेक्टेड एट ए पॉइंट डी एट द अदर एंड ऑफ लीवर, द लीवर इज अ पिवोटेड एट पॉइंट सी, इट हैज अ फोर टर्निंग पेयर्स एंड ऑल पेयर्स आर लोअर पेयर्स। तो ये चार पेयर है, सॉरी ये चार लिंक है जो कनेक्टेड है, तो उसके अंदर से ये जो लिंक है, चार लिंक नंबर फोर इज अ फिक्स लिंक है। लिंक ओ ए जो है फर्स्ट वाला लिंक, ये कंप्लीटली रोटेट होगा। सेकेंड लिंक जो है वो कनेक्टिंग रॉड है, वो पार्शियली मूवमेंट होगा। और लिंक आखिरी वाला जो है बी डी लिंक, तो ये ऑसिलेट होगा। तो यहाँ से ये जो बीम है वो, सॉरी बीम नहीं, ये सिलेंडर जो है पिस्टन सिलेंडर असेंबली, ये रेसिप्रोकेट होगा। तो बीम इंजन मैकेनिज्म इज यूज्ड वेयर कन्वर्टिंग रोटरी मोशन इनटू रेसिप्रोकेटिंग, वहां पे हम इसको बीम इंजन को यूज कर सकते हैं। तो अगला वाला एग्जांपल था फोर बार चेन मैकेनिज्म का, बीम या सॉरी पेंटोग्राफ। पेंटोग्राफ क्या है, अगर कोई इमेज को आपको एनलार्ज करना है तो हम इस पेंटोग्राफ को यूज करते हैं। एनलार्ज और शॉर्टन करना होगा तो इस पेंटोग्राफ को हम यूज करते हैं। इट इज एन इन्वर्जन ऑफ ए फोर बार चेन मैकेनिज्म, कंसिस्ट ऑफ ए फोर लिंक्स ज्वाइंट इन अ सच वे दैट इट फॉर्म्स अ पैरेललोग्राम फिगर शोज अ सिंपल अरेंजमेंट ऑफ पेंटोग्राम मैकेनिज्म। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको एक पेंटोग्राम मैकेनिज्म का, देखो एक जीरो ए जीरो से लेके ए बी और बी सी ऐसा एक, और यहाँ से कनेक्टिंग रॉड सी और डी रहता है। तो क्या करते हैं हम पॉइंट्स एक्सटेंड करते हैं, तो ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये पॉइंट्स को हम एक्सटेंड करते हैं, एनलार्ज कर सकते हैं। फोर बार लिंक ए बी बी सी सी डी डी ए, ए बी बी सी सी डी डी ए, ये फोर बार चेन है। तो इसके अंदर फिक्स कौन है, फॉर्म पैरेललोग्राम, एक्सटेंड द लिंक बी ए टू ओ एंड बी सी टू ई। तो इन दोनों लिंक को हमने एक्सटेंड किया ओ तक और इसको एक्सटेंड किया ई तक, सच दैट ओ एंड ई आर इन अ स्ट्रेट लाइन, मेक अ पॉइंट ओ और ई एज ए पिवोट पॉइंट। ओ और ई को हमने पिवोट पॉइंट किया है, मतलब यहाँ से मोशन हम अलाउ कर सकते हैं ओ एंड ई को। वर्किंग इफ मूव्स पॉइंट डी टू डी डैश, अगर हमको पॉइंट डी को डी डैश तक मूव करना है तो हम क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट को हम सीधा इधर खींच के यहां तक ला सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ये मोशन अलाउ करेगा क्योंकि यहाँ पे हमने इसको पिवोट पॉइंट कहा है। फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, द पॉइंट ई ऑल्सो मूव्स फ्रॉम ई टू ई डैश, उस वक्त ई टू ई डैश भी हम इसको मूव कर सकते हैं। फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन बट विद एनलार्ज साइज, ओके, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी लेकिन वो एनलार्ज साइज बनेगी। पेंटोग्राफ इज अ मैकेनिज्म यूज्ड टू एनलार्ज और रिड्यूस द मूवमेंट और साइज। तो ये मूवमेंट को एनलार्ज और रिड्यूस कर सकता है और साइज को भी, जो डायग्राम्स होते हैं, जो डिस्टेंसेस होते हैं उसको भी वो एनलार्ज और रिड्यूस कर सकता है। सो दिस इज द यूज ऑफ पेंटोग्राफ, ओके। तो ये हो गए हमारे फोर बार चेन के तीन एग्जाम्पल्स, पहला वाला था लोकोमोटिव, दूसरा वाला था बीम इंजिन, तीसरा वाला था पेंटोग्राफ। तो ये इन्वर्जन का जो टाइप थे अपने, लिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ, थ्री टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक चेन्स इन्वर्जन, फोर बार चेन के ये तीनों थे। ये देखिए अभी सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन के देखने हैं, बाद में डबल स्लाइडर क्रैंक चेन के देखेंगे। तो सिंगल स्लाइडर में मेनली क्रैंक एंड क्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म जो है और विथ वर्क जो है ये दोनों आते हैं, मेनली यही हम देखते हैं, बाद में इसमें तो तीनों आएंगे। तो ये पूरा हमको स्टडी करना है, लेकिन आज के लिए यहीं पे हम रुकते हैं, नहीं तो वीडियो अपना काफी बड़ा हो जाता है और आपको भी थोड़ा सा सुनने में वो दिक्कत आता है, इसीलिए अभी यहीं पे हम रुकेंगे। अगला वाला जो थर्ड लेक्चर का वीडियो है वो कल हम देखेंगे उसको।
सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सारे बच्चों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, जैसे कि उनका स्टडी जो है, उनके कंसेप्ट जो है, वो काफी अच्छे हो जाए और स्टडी भी उनका अच्छा हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।